हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये है FZS वर्जन 3.0 और इसमें इसका एक प्रॉब्लम आया था। प्रॉब्लम तो नहीं, कंपनी ने लिया था वो ब्लूटूथ सिस्टम, वो डिसेबल करना, हटाना था अपने को। तो अभी देख लो इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले अपने इग्निशन ऑन कर देना तो डायरेक्टली सेल नहीं मार सकते इसमें। सबसे पहले सिग्नल ऑन करना पड़ेगा, फिर सिग्नल है एक साइड की, दूसरी बार, तीसरी बार, ये चौथी बार, अब जाके सेल लगेगा। अब यही इसी टाइम पर अगर अपने की ऑफ करेंगे तो दोनों सिग्नल एक साथ बंद होगी, ये ब्लूटूथ लॉक लग गया है। अब ये सेल नहीं लगेगा जब तक अपन सिग्नल लाइट हटा नहीं देंगे। तो अपने को अब इससे बहुत कस्टमर इरिटेट हो रहा है, मतलब कंटाल जाता है, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका जो ब्लूटूथ कनेक्शन है वो ये है, CDI जैसा दिखता है। तो हम इसका पूरा वायरिंग चेक कर चेंज करने वाले हैं। इस ब्लूटूथ कनेक्शन हटाने के लिए कुछ बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, सिर्फ एक छोटी सी एक वायरिंग दी है तो उसको हमें हटाना है। सिर्फ ये देख लो, सबसे पहले मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ। ये वायर जा रहा है तो हमें अपने को सबसे पहले क्या क्या हटाना है। ये वायर, एक ये वायर, एक ये सॉकेट और एक ये भी है, सब उसका फेस टू फेस वाला देके रखा है। इतना ये वायर अपने अलग कर दिए। अब ऑलरेडी वापस से अब अपने जो जो वायर निकाले वो इसमें ये इधर आ जाएगा और ये ब्लैक वाला इसके अपोजिट सामने उधर आ जाएगा। तो इतना हो गया। तो चलो अभी ये निकाल कर भी, इधर फोन के वायर, फोन का भी निकालना पड़ेगा। फोन सर इसको अलग से देके रखा है पिन, इधर अलग से पिन मारते हैं वो है। तो ये फोन का पिन अलग हो गया, ये कंपनी का वायरिंग का, इसको यहाँ लगा देना है। और अब लॉक का भी वायर है, इसमें बहुत सब सिस्टम दिया है तो ये लॉक का वायर भी अपने को खींच लेना है सिर्फ। अब ये दो वायर इधर है, अपोजिट फेस टू फेस मार देना। तो गाइस अब ये वायरिंग मैं निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। ये कुछ सॉकेट थे ब्लूटूथ वायरिंग के और यहाँ से भी इसमें फ्यूज़ ये बहुत सब वायर दिए हुए थे। अब सीधे इसका अपोजिट चलते हैं, जो ब्लूटूथ कनेक्टर है ये, अभी ये हटाना है। कुछ ज़्यादा बड़ा धार नहीं मानना होता इसमें, सिर्फ इसका जो कंपनी वायरिंग है, मतलब अलग से कंपनी देती है, आप अपने फ़ोन से अपलोड कर सकते हो। अब मैंने सब पूरा वायर निकाल दिया। अब इसकी ब्लूटूथ का कोई कनेक्शन कहीं यूज़ नहीं है। अब सिंपली मैं की ऑन करूँगा, बस इसमें आपको बॉडी लाइन ज़्यादा खोलना पड़ेगा, खाली इस साइड का पैनल और खोपड़ी, इतना सब खोलना है। अब करना कुछ नहीं है, अब बस इग्निशन ऑन करना है। ये लॉक का वायर नहीं जोड़ा तो मैं लॉक का वायर जोड़ देता हूँ ये। उसके बाद गाइस ये दो लॉक का वायर जोड़ दिया मैंने, रेड और रेड में, और दूसरा है वो अलग कलर में। अब इधर से लॉक का पावर आ गया, अब अपने इग्निशन ऑन कर देते हैं, कहीं अब सिग्नल लाइट दबाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थोड़ा बहुत अभी वायरिंग लगाने का बाकी है गाइस, मैं भूल जा रहा था, ये सब सिस्टम लगाना बाकी है। तो अभी पूरा कुछ नहीं, बस ये आगे के वायर लगाने, भाई सिर्फ दो वायर मेरे को लगाने बाकी थे, एक ये और एक ये, ठीक है। ये दो वायर मैंने लगा दिए तो अब कंप्लीट है। और ये कनेक्शन पूरा वायरिंग का निकाल दिया, खाली इग्निशन ऑन करना, आपको सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं, सीधा सेल मार सकते। यहाँ से ऑफ कर सकते, ये ऑन, ये सेल। पहले क्या होता था, पहले सिग्नल देनी होती थी फिर वापस से ऐसा, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली अपन की ऑफ कर ऑन करेंगे, डायरेक्टली सेल मार सकते हैं। ये वायरिंग था ब्लूटूथ कनेक्शन का, जो जो आपको सिग्नल यूज़ करने में, एक ये वायर, ये यहाँ से फ्यूज़ फोन लॉक को ऑपरेट करता है और ये हेडलाइट स्विच में लगता है। इतना सब निकाल दिया हमने,
ये आप अगर कभी इन फ्यूचर आपको कभी आगे काम लगा तो आप वापस से इसमें इंस्टॉल करवा सकते हो FZ में। तो बस यहीं तक का था, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।